आज की वीडियो में बात करेंगे पॉलीकार्बोनेट शीट के बारे में कि पॉलीकार्बोनेट शीट का यूज आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलीकार्बोनेट शीट एक वर्सेटाइल और एक ड्यूरेबल मटेरियल जिसका यूज आप काफी सारी जगह, जैसे कि आपका रूफिंग हो गया, ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन हो गया, आपके काफी सारे DIY प्रोजेक्ट्स हो गए, तो इन सारी जगहों पे जो है पॉलीकार्बोनेट शीट का यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके घर के इंटीरियर्स में जो पार्टीशंस बनते हैं वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसकी क्या क्या खूबियां और क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर वन, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो पॉलीकार्बोनेट शीट की जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होती है वो एक्सेप्शनल होती है। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है इंपैक्ट रेजिस्टेंस की। बेसिकली इंपैक्ट रेजिस्टेंस ये होता है कि पॉलीकार्बोनेट शीट आपकी लगी हुई है तो उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट पड़ता है, इंपैक्ट पड़ा, कोई हार्श वेदर पड़ा, तो उससे जो है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आउटडोर के लिए काफी आइडियल मटेरियल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी एंड लाइट ट्रांसमिशन। तो पॉलीकार्बोनेट शीट ना हाईली ट्रांसपेरेंट होती है, तो इससे ये नेचुरल लाइट को जो है वो पास होने देती है अपने अंदर से, तो जिससे कि आप अगर कोई भी टॉप पे अगर आप इसको लगाते हैं तो नेचुरल लाइट जो आपकी बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होती। तो अगर आप अदर मटेरियल से इसका कंपेयर करेंगे तो लाइट ट्रांसमिशन जो है वो काफी ज्यादा रहता है, ऑलमोस्ट ग्लास की तरह ही। पॉइंट नंबर 3, थर्मल इंसुलेशन। तो इसकी जो थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है काफी अच्छी होती है, मतलब ये हीट को ना आपकी जो शीट लगी तो हीट को ट्रांसफर होकर के दूसरी साइड में जो है नहीं आने देता, तो इससे आपका जो एनर्जी का कंजप्शन होता है वो भी रिड्यूस होता है और आपकी जो हीट ट्रांसफर है वो भी मिनिमाइज होती है। पॉइंट नंबर 4, यूवी प्रोटेक्शन। तो इन शीट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपको यूवी प्रोटेक्शन प्रॉपर मिले, तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग करी जाती है जिससे कि आपकी जो यूवी रेज है वो ब्लॉक हो जाए, वो आर पार ना हो। तो जो पॉलीकार्बोनेट शीट होते हैं जो यूवी रेज आते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपका शीट या जो कोई प्लांट है, कोई फर्नीचर है या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है तो इन सब को ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आप ऐसी जगह पे भी आप इस शीट का यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं जो कि ईज ऑफ इंस्टॉलेशन और वर्सटाइल। तो सिंपली आपकी पॉलीकार्बोनेट शीट जो है डिफरेंट डिफरेंट वेरियस साइजेस और थिकनेस में आपको मिलती है। इनफैक्ट इसमें कलर्स भी जो है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट इसमें मिलते हैं, डिजाइन भी जो है काफी डिफरेंट मिलते हैं। तो अपने मन मुताबिक इसको आप कट कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, किसी शेप में आप इसको फिक्स कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ही लाइट वेट है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और हैंडल करना भी काफी इजी रहता है। तो देखिए कंक्लूजन अब ये निकला कि जो पॉलीकार्बोनेट शीट है बहुत ही फैंटेस्टिक ऑप्शन है, आपके बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स में आप इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ हो गई, जो ड्यूरेबिलिटी हो गई, जो ट्रांसमिबिलिटी हो गई, जो थर्मल इंसुलेशन हो गया, यूवी प्रोटेक्शन हो गया और ईज टू इंस्टॉलेशन हो गया, तो इन सब पे ये बिल्कुल खरी उतरती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है पॉलीकार्बोनेट शीट के ऊपर, इसके जो मैंने आपको एडवांटेजेस बताए हैं और कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इस तरह के कंटेंट अगर आप रेगुलर पाने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।